What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 4 दिसंबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:04 हो रहे हैं। कल दूसरा ट्रेडिंग सेशन था वीक का, हमने फिर से एक बार लगातार तीसरे दिन निफ्टी इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिला। तो जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल बनाया था वहां पर ये टिक नहीं पा रहा था, वहां पर सीधा प्रेशर दिख रहा था, सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग का एक प्रेशर देखने को मिल रहा था। जो ग्लोबल क्यूज है अभी वो भी निगेटिव है, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील चल रहा है वो भी अभी जल्दी खत्म होने के उसके आसार नहीं दिख रहे। कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट आया था उसके बारे में, तो ग्लोबल वीकनेस भी है और जीडीपी के आंकड़े जैसे कि आपने देखा वो भी काफी निराशाजनक थे। तो अभी कल जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है तो उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है। अगर आरबीआई और भी ब्याज दरें घटाता है तो इसका सीधा मतलब है कि अभी भी काफी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो आज निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। यह कल का पिक्चर है, यानी 3 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,069 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,030। हमने डेली चार्ट में देखा था हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो ये यहाँ पर 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी फिर से एक बार जब ओपन हुआ तो सीधा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला और ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, और जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ उसके बाद फर्स्ट टारगेट 12,017 ये अचीव्ड हुआ और सेकेंड टारगेट 12,002 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ, और ये ब्रेक होने के बाद और भी निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ और ऊपर आकर ये जो सेकेंड टारगेट था 12,000 ये अभी इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसी के पास जस्ट इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था हमारे कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट देखे तो वहां पर भी एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 288 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, हांगकांग मार्केट 293 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और चाइना मार्केट भी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर हल्की सी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी में भी 43 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से निगेटिव संकेत है। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में। यह निफ्टी का वीकली चार्ट, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये हमारा उसी के पास 100% का ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। हर एक नए लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आता है। निफ्टी का स्ट्रक्चर मंथली और वीकली चार्ट में एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है, लेकिन जो नए हाईज बन रहे हैं, नए लेवल्स बन रहे हैं, वहां पर सीधे तौर पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी अगर यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ नीचे आता है तो यहाँ पर लास्ट 3 वीक्स हमने देखा था दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और एक लेवल है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था 3 वीक लगातार। तो 18,872 ये जो लेवल है ये फर्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। ये एज पर वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट से हम बात कर रहे हैं, और ऊपर 12,114 ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ये दो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो आने वाले ट्रेंड के बारे में हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में फिर एक बार ये मैग्डी जो काफ़ी ज़बरदस्त इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेंड है उसके बारे में सही हमें सिग्नल या फिर क्लैरिटी ये इंडिकेटर देता है। तो यहाँ पर मैग्डी अभी भी निगेटिव जोन में है। ऊपर प्राइस एक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, नेक्स्ट डे कंफर्मेशन मिला और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तो कल के जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। तो कल एग्जैक्ट इसका लो जो था ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसी के पास था। तो अभी 20 EMA 11,950 के पास है, तो ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे हमें
11872 ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। तो 11872 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 11950 को ब्रेक करता है तो। हो सकता है 20 EMA को पेनेट्रेट करे, कल RBI की मॉनिटरी पॉलिसी है तो एक मार्केट साइडवेज पैटर्न यहाँ पर दिखाए। तो अगर 950 अगर ब्रेक होता है 11950 तो 11872 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। और ऊपर में ये जो कल जहाँ पर ओपन था वहाँ पर ही ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया था, तो 11068 या 70 मान पकड़ लेते हैं। अगर इसके ऊपर चला जाता है, क्लोज मिलता है, तो फिर से एक बार निफ्टी में अपसाइड मूव आने की यहाँ पर एक चांसेस, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से तो बुलिश है, लेकिन हर एक लेवल पे, ऊपरी लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी ये कल का चार्ट है, 60 मिनट का ये चार्ट है। कल आप देख सकते हैं ये 2 और 3 बजे का ये जो एक 1 आवर का ये कैंडल है, यहाँ पर ये क्लियरली इंडिसिजिव पैटर्न दिखा रहा है। यानी ये ऊपर का जो शैडो है और नीचे का शैडो काफी लंबा है कंपेयर टू ये बॉडी जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर 2 बजे के बाद कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक इंडिसिजिव पैटर्न था, तो ये एक रेंज बन गया है। नेक्स्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडल बना है ये भी इस रेंज के बीच में है। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो अभी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के लिए काम कर सकता है। तो अगर ये हाई ब्रेक करता है तो तुरंत पिवट पॉइंट का यहाँ पर लेवल है। तो अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो 12006 ये लेवल को ब्रेक होने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली टारगेट होगा 12019, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट ये जो 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है, जो कि 12030 के पास है। और यही लेवल हमारा कल का ब्रेकडाउन लेवल था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन चार्ट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर काफ़ी देर इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो जो सपोर्ट का काम करता है पास्ट में वो फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये हमारा हो सकता है सेकेंड टारगेट। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता ही है तो यहाँ से अगर मैं इसे लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो बना है। तो ये स्विंग लो अगर आप ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,965 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल 11,945, और सेकेंड टारगेट होगा 11,930, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।